ओके, वेलकम बैक टू अनदर। दोस्तों मैं निजाम आपसे भी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। आज बात करेंगे बेबी डॉजकॉइन के सेकेंड ऑफ एनिवर्सरी में क्या कुछ खास है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हुआ है, जो रिकैप्स है इसके पूरे दो सालों के अंदर, और क्या इसका फ्यूचर प्लान है। और कल जो एक सडन डंप आया था, मैंने भी आपको टेलीग्राम पर शेयर किया था क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या था। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को करके टेलीग्राम चैनल मस्ट जरूरी फॉलो करना, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिटकॉइन 26,934 1875 पे हमारा इथेरियम ट्रेड कर रहा है भाई, एक नॉर्मल प्राइस रेंज के ऊपर घूम रहा है, कोई ज्यादा ना पंप है ना डंप है, और ये दो दिन से यही प्राइस रेंज पे चल रहा है जब से एक डंप आया था। बट बात करते हैं बेबी डॉजकॉइन की, जो कि कल डंप तो आया था लेकिन बहुत जल्दी सर्वाइव किया और 2000 के अराउंड गया था, अभी 1990 पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं दिखाऊं चार्ट के अंदर, 1 आवर का चार्ट है, देख सकते हो भैया 1709, ये बड़ा कैंडल बना था और मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर सेंड भी किया था, ये सडन डम्प था। हालांकि कुछ मेरे भाई ने यहाँ पर बाय करके यहाँ पर सेल भी किया, एक क्विक प्रॉफिट छोटा मोटा यहाँ पर लिया भी है ना। बट ये पीछे का रीज़न क्या था, बिकॉज ऑफ देखो यार, सबसे बड़ी चीज़ तो कल 100 क्वार्टरली बर्निंग भी था, यहाँ पर पंप होना चाहिए था तो उल्टा यहाँ पर डंप हुआ, ऐसा क्यों। तो दोस्तों काफ़ी सारे कल जो है मार्केट के अंदर र्यूमर आया, क्या आया वो मैं बता दूं, 100 क्वार्टरलियन जब ईद के अंदर बर्न हुआ तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो है ना पैनिक में आ गए, क्योंकि कुछ हलचल हुआ नहीं। और आपको बता दूं, मैंने कल की वीडियो में बताया था 185 ट्रिलियन के लगभग जो है BSE में हुआ, इससे लोग अब ये कहने लगे ये फेक पंप है, और ये र्यूमर जो है ना काफ़ी ज़्यादा फैला, और कुछ मेरे भाई यहाँ पर पैनिक में आके जो है सेल आउट भी किए, जिसकी वजह से ये डंप देखने को मिला था। जहाँ दोस्तों हालांकि बहुत जल्दी रिकवर कर लिया गया, सर्वाइव कर लिया गया, जो कि एक अच्छी चीज़ है और एक अच्छी अब बात कह सकते हो बेबी डॉजकॉइन के, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ तो काफ़ी लोगों का मानना है कि बर्निंग हो गया इतना बड़ा, कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला, थोड़ा सा कंसर्निंग है। हालांकि ईद के ऊपर हुआ लेकिन फिर भी यार BSE के ऊपर हो जाए यार, क्योंकि सबसे ज़्यादा होल्डर BSE के ऊपर है। जहाँ दोस्तों आपको भी और हमें भी मालूम है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये तो था नेगेटिव न्यूज़, हालांकि मुझे लगता है कि ये आने वाले समय के अंदर इम्पैक्ट छोड़ेगा और अच्छा प्रॉफिट भी देगा। बट आज है सेकेंड ऑफ एनिवर्सरी, जहाँ दोस्तों आज कुछ खास यहाँ पर कर सकता है हमारा बेबी डॉजकॉइन, आज कुछ पंप करवा सकता है, मे बी आज कुछ बड़ी लिस्टिंग की भी अनाउंसमेंट हो सकती है। हालांकि ट्रेंडिंग भैया बना हुआ है हमारा बेबी डॉजकॉइन, जहाँ दोस्तों 8 लाख से ज़्यादा ट्वीट किया गया है, विशेष की गई है बेबी डॉजकॉइन की आज सेकेंड बर्थडे के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज कुछ अगर हंगामा कर दिया, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आ गया, तो एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये भी क्विक प्रॉफिट होगा 30-40% के अराउंड अगर हुआ तो, नज़र आज रखिएगा। आज सेकेंड ऑफ एनिवर्सरी है, सेकेंड ऑफ बर्थडे है, तो आज कुछ खास हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि और कोई बड़ी न्यूज़ तो है नहीं इसके बारे में भाई, बस नज़र रखिएगा क्योंकि आज भाई बड़ा दिन है और बड़े दिन के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है बेबी डॉज से रिलेटेड, मेक श्योर हमसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी ऑसम न्यूज के लिए हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को करिए, टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जरूर फॉलो करना, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे नेक्स्ट में आज की तरह, गुड बाय।